हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने लास्ट वीडियो में लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास 30,000 अमाउंट है और उसे इसे दो बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इन्वेस्ट करना है, बांट देना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहले बॉन्ड पे उसे 5% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो दूसरा वाला बॉन्ड है उसे 7% इंटरेस्ट मिलता है सेकेंड बॉन्ड पर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके डिवाइड डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 के दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में ब्रेक कर दीजिए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800, अगर उसे टोटल 1800 रुपये इंटरेस्ट मिले तो उसे कितना कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए, 30,000 में से कितना पहले बॉन्ड में और कितना दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करे कि उसे कुल 1800 रुपये इंटरेस्ट का रूप में मिले। तो मान लेते हैं, लेट मनी इन्वेस्टेड बाय मैन ऑन फर्स्ट बॉन्ड, मान लेते हैं कि पहले बॉन्ड पर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करता है। लेट मनी इन्वेस्टेड बाय मैन ऑन फर्स्ट बॉन्ड तो 100 रुपए मान लीजिए इन्वेस्ट करता है। एंड मनी इन्वेस्टेड बाय मैन ऑन सेकेंड बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड पे आप बताओ कितना इन्वेस्ट करेगा। टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट उसे करना है। पहले पे 100 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है तो दूसरे पे बचा हुआ पैसा ही वो इन्वेस्ट कर सकता है, और बचा हुआ पैसा होगा 30,000 माइनस 100, क्योंकि कुल 30,000 ही इन्वेस्ट करना है। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30,000 माइनस। आई बात समझ में? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले बॉन्ड पे कितना है, 5% है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड पहले बॉन्ड पे उसे बेटा 5% यानी कि 5/100 रुपीज मिलते हैं ना, और दूसरे बॉन्ड पे 7% यानी कि 7/100 रुपीज मिलते हैं। हर 100 रुपये में 7 रुपये, जैसे 30,000 में जितने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो हर 100-100 रुपये के उसके 7-7 रुपये मिलेंगे उसको इंटरेस्ट के रूप में, और पहले वाले बॉन्ड में 100-100 के उसको 5 रुपये का इन्वेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि टोटल उसे कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, 30,000 का, जिसमें 30 माइनस 100, और इंटरेस्ट टोटल होना चाहिए कितना, 1800 रुपये। तो पहले वाले पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 30,000 माइनस एक्स दूसरे वाले पर, और पहले वाले पे मिलने वाला अमाउंट 5/100 इंटरेस्ट, और दूसरे पर मिलने वाला है 7/100, और इस तरह से टोटल 1800 रुपये उसे मिलना है। आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपका मल्टीप्लाई करने का रूल पता है, ये उठा के मल्टीप्लाई इसमें, यानी एक्स इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। ये हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स के रूप में रहेगा, हटा दिया है मैंने मैट्रिक्स। अब इसको आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो पहले बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट करना है वो पता चल जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो दूसरे बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट करना है वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी ऐसे ही सॉल्व करना है बेटा, बस यहाँ पे आपको यक्स 30,000 माइनस यक्स लेना होगा, इंटरेस्ट तो उतना ही मिल रहा है, यानी 5/100 और 7/100, बट इंटरेस्ट टोटल उसे 2,000 का मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आप 2,000 रख करके सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में?
तो यहाँ से भी आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x को वहां और वहां रख के आप दूसरे वाले बॉन्ड के लिए, दूसरे वाले कंडीशन में कि जब उसे 2000 का ही इंटरेस्ट चाहिए ना, तो 2000 टोटल इंटरेस्ट के रूप में मिले वो। आप इसे अल्जेब्रिक मेथड से भी लगा सकते हैं। अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 7th 8th वाली वही SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 करके सॉल्व करना होगा। तो पहले का इंटरेस्ट प्लस दूसरे का इंटरेस्ट, ऐसे I1 प्लस I2 बराबर 1800 रखना होगा। पहले का PRT अपॉन 100 यानी T1 R1 अपॉन 100 प्लस T2 R2 T2 अपॉन 100 बराबर 1800 रुपए, ऐसे हो जाएगा। लेकिन चूंकि सवाल में कहा हुआ है कि आपको इसे मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसलिए ये तरीका आप नहीं आजमा सकते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Now we have question number 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economic books. आपके पास एक स्कूल का बुकशॉप है जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसमें केमिस्ट्री की 10 dozen books हैं। केमिस्ट्री की कितनी हैं? केमिस्ट्री की 10 dozen, ठीक है, और 8 dozen है फिजिक्स की, फिजिक्स की 8 dozen, और 10 dozen है इकोनॉमिक्स की बुक अवेलेबल है। 10 dozen इकोनॉमिक्स की बुक है। दियर सेलिंग प्राइसेस आर रुपीज 80, 60 and 40 ईच। 10 dozen है जबकि एक बुक की कॉस्ट है 80 rupees केमिस्ट्री की, 60 rupees फिजिक्स की एंड 40 rupees इकोनॉमिक्स की। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। जो स्कूल का बुक शॉप है वो अगर सारी बुक्स को बेच दे या सारी बुक्स को बेचने के बाद उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसे सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 10 dozen बुक्स हैं और 1 dozen में 12 होते हैं, यानी 120 बुक्स हैं जिसका एक का दाम 80 है, तो पूरे 120 का दाम हो जाएगा 120 × 80। 8 dozen है तो 96 books होंगी इसमें, 96 × 60 and 120 × 40 plus कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन इसे matrix method से कैसे solve करना है, तो आप यहाँ पर direct कर सकते हैं according to question। पहले इसे matrix के रूप में लिखना होगा, तो कितने कितनी dozen books हैं आपके पास, 10 dozen, 8 dozen and 10 dozen। dozen के लिए यहाँ पर 12 लगा देना होगा, इसलिए क्योंकि 10 dozen है तो 10 × 12, 8 × 12 and 10 × 12, वो 12 मैंने निकाल लिया है। अब एक बुक का कॉस्ट कितना है आपका, 80, 60 and 40। अब आपको उठा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका 12 और यहाँ पे बन जाएगा आपका मैट्रिक्स 10 × 80 + 8 × 60 + 10 × 40, ये हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो आपका आ जाएगा 12 × 8 = 800, 8 × 6 = 48 and 400। सबको प्लस कर देते हैं तो 12 × 8 = 4, 12 × 4 = 1680 आ जाएगा, और 1680 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 0 = 0, 12 × 8 = 96, कैरी हुआ 9, 12 × 6 = 72 and 9, 72 and 9 = 81, 8, 12 × 1 = 12 or 8, 20। यानी तो स्कूल को पूरी बुक्स, स्कूल शॉप को अगर सारी बुक्स बिक जाएंगी तो उसके बाद 20,160 rupees रिसीव होंगे, इतने रुपए उसको मिलेंगे। आई बात समझ में? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 and 22। 21 और 22 सॉल्व करने के पहले एक इंफॉर्मेशन दी गई है, कह रहे हैं एज्यूम, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेज, एक्स एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये मैट्रिसेज हैं आपके पास,
और यक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n का। यक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस n का, यानी इसमें 2 रोज हैं, मान लेते हैं a1 a2 an और b1 b2 bn, यानी कि इस यक्स का जो ऑर्डर है बेटा वो है 2 क्रॉस n का। आई बात समझ में? यक्स का ऑर्डर लिख दिया मैंने, ठीक है। y का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस k का, तो ये यक्स हो चुका है और y का जो ऑर्डर है यहाँ पे y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k का, तो 3 क्रॉस k के लिए मान लेते हैं ये a1 है a2 है और 3 क्रॉस k यानी k जो होंगे वो कॉलम होंगे, तो कॉलम है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ak और यहाँ पे b1 bk और c1 ck, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस k का। आ रही बात समझ में? W का ऑर्डर है 2 क्रॉस p का। W का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस p का, यानी 2 रो ले जाएंगे, तो मान लेते हैं इसका है ऐसा कि c1 c2 ले चुके हैं, b1 से लेकर के 2 क्रॉस p का है, तो 2 रो लेना है और कितने p, तो dp और ep, यानी कि 2 क्रॉस p का ऑर्डर। W का ऑर्डर है n क्रॉस 3 का। W का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस 3 का, तो F1 n क्रॉस 3, तो F1 F2 F3 और G1 G2 G3 ऐसे हो जाएगा, और इसका ऑर्डर कितना है ऐसा नहीं, ऐसा करो कि ऐसे लिख दो F1 F2 F3, इसका W का ऑर्डर कितना है बेटा n क्रॉस 3 का, तो n क्रॉस 3 के लिए हो जाएगा यहाँ पे F n रोज हो गई और 3 कॉलम करने होंगे, तो G1 G2 G3 और GN और H1 H2 H3 और HN, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना? n क्रॉस 3 का, n रोज हैं और 3 इसके कॉलम हैं। देख रहे हैं सभी बच्चे, समझ में आ रहा है? और जो P का ऑर्डर है वो है P क्रॉस K का। P का जो ऑर्डर है वो P क्रॉस K का है, यानी P रोज हैं और K इसमें कॉलम है। P रोज है यानी 1 2 ऐसे ऐसे रोज होंगे, वो कॉलम होंगे। कहा जा रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट, n k और p पे इस तरह से रिस्ट्रिक्शन है कि py plus wy will be defined, कि py plus wy डिफाइंड है यानी निकाला जा सकता है। तो पहले py से p और y के ऑर्डर से py का हम ऑर्डर निकाल लेते हैं, py का क्या ऑर्डर होगा? py plus wy डिफाइंड है तो py का ऑर्डर कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो p का ऑर्डर कितना है? p का ऑर्डर है हमारा p क्रॉस k का, तो p क्रॉस k इसका, और जब तभी मल्टीप्लाई हो पाता है दो मैट्रिसेस में जब पहले का कॉलम दूसरे का रो के बराबर होता है, c इक्वल टू r। तो पहले में कॉलम कितना है k, और y में रो कितनी है? y में रो है 3, यानी कि k इक्वल टू 3, ये हो जाएगा एक कंडीशन जब py डिफाइन होगा। बहुत ध्यान समझना बेटे, py का टोटल ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं, अगर py पॉसिबल है तब के लिए देखा जा रहा है। तो py चूंकि पॉसिबल है तो पॉसिबल तो तभी होगा कि p में जितने कॉलम हैं और y में उतने रोज हो, तो p में कॉलम है k और y में रोज है 3, यानी k इक्वल टू 3, या आई बात समझ में? अब py प्लस wy भी डिफाइंड है, तो wy का देखते हैं क्या होगा, और py का टोटल ऑर्डर, तो py का जो टोटल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? हम समझ रहे हैं कि ये k बराबर 3 हो गया तो k और 3 कट जाएगा, p क्रॉस k का ऑर्डर हो जाएगा क्या? py का, बताइए p क्रॉस k का ऑर्डर होगा, यानी p का यही ऑर्डर आएगा उसका, p क्रॉस k का, और k बराबर 3 है यानी p क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा। किसका? p क्रॉस 3 का ऑर्डर आएगा। अच्छा, अब डब्ल्यू वाई का ऑर्डर निकाल लेते हैं। डब्ल्यू वाई अगर डिफाइंड है तो डब्ल्यू में जितने कॉलम हैं
y के उतनी रोज, ये तो बराबर है, यानी कि डब्ल्यू वाई का ऑर्डर हो जाएगा यन क्रॉस के का, क्या बताइए, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर जो आएगा वो हो जाएगा यन क्रॉस के का, और पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन है, यानी पी वाई का टोटल ऑर्डर डब्ल्यू वाई के टोटल ऑर्डर के बराबर है, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का डिफाइन है, यानी पी क्रॉस के बराबर यन क्रॉस थ्री है, बताइए पी क्रॉस थ्री बराबर यन क्रॉस के है, यानी कि p बराबर n है और 3 क्रॉस 3 बराबर k है, ये समझ में आ रही है बस सही बच्चों को, समझ में आ रही है कि सभी समझ समझ में आ रही है, तो p बराबर n और 3 क्रॉस k, ये 3 बराबर k मिल गया जब py plus wy डिफाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन पता चल गया क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर k बराबर 3 और p बराबर n पहला ऑप्शन, कह रहा है n बराबर p, तो पता है हमें कि n बराबर p है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z, तो 7x, तो 7x का जो ऑर्डर होगा वही 5z का भी होगा क्योंकि माइनस हो रहा है, तो दो मैट्रिक्स माइनस तभी किया जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा, तो 7x, तो 7x का ऑर्डर कहाँ है, x का ऑर्डर कहाँ पे है, x का ऑर्डर ये है, तो 7x का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2 क्रॉस n, और n बराबर है p, तो हम n की जगह p अगर रख दें तो 2 क्रॉस n, n बराबर p यानी 2 क्रॉस p, तो 7x - 5z का ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p ऑप्शन में नहीं है क्या, तो ठीक है अगर नहीं है तो p बराबर n है तो 2 क्रॉस n कोई ऑप्शन है, हाँ b वाला तो ऑप्शन है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n का ऑर्डर तो चल ही रहा है, आई बात समझ में, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 कंप्लीट हो चुका है, यानी एक्सरसाइज ये खत्म हो चुका है, अब हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।